अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस उम्मीद करता हूँ कि फिर ऐसे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो वैकेंसी लेके आया हूँ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का जो वैकेंसी है ये तुर्की का है। ठीक है, तुर्की में एक कंपनी का रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर बहुत सारा कैटेगरी है, कम से कम 7-8 कैटेगरी है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात होगा। आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप तुर्की में जॉब सर्च कर रहे हो, आप तुर्की जाना चाह रहे हो, तुर्की बहुत अच्छा कंट्री है और वहाँ पे जो भी सैलरी मिल रहा है वो तुर्की अपना यूएसडी डॉलर में सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो भी मैं सैलरी बताऊंगा वो यूएसडी डॉलर में रहेगा, तुर्की करेंसी में नहीं, यूएसडी डॉलर में कन्वर्ट करना। जैसा एक डॉलर का अभी टाइम पे इंडिया का 82-85 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको अगर जोड़ना है कि मतलब हमारा इतना डॉलर का कितना बनेगा, तो हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छे से पहले समझ लेना है कि 6-7 कैटेगरी जो है वो क्या क्या है और इसके अंदर सैलरी क्या होगा, ड्यूटी क्या रहेगा। फ्रेश बंदा अप्लाई, इसमें फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं, रिटर्न और फ्रेश कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसके अंदर उम्र उम्र कितना चाहिए, और उसके बाद कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, पासपोर्ट में वैलिड कितना होना चाहिए, उम्र पासपोर्ट के हिसाब से कितना होना चाहिए, ये सारा चीज़ जो है मैं इसी वीडियो के अंदर मतलब सारा डिटेल बता दूंगा। तो आपको पहले वीडियो को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, अच्छे से देख लेना है, और उसके बाद में अगर आपको जाना रहेगा तो पहले जाके फ़ोन फिर नहीं करके, अगर बहुत से बंदे सब कुछ समझने के बाद फिर फ़ोन करके इंक्वायरी करते हैं, जब तक उनको जवाब आता है व्हाट्सअप मैसेज करके फिर पूछेंगे ये काम है कि नहीं है, जब तक उनको मैसेज का जवाब मिलता है तब तक मालूम पड़ा कि वैकेंसी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब सारा चीज़ समझ जाना, क्योंकि सब डिटेल में बताऊँगा कि पूरा ए से जेड तक, यानी किस तरीका से, पेमेंट कोई भी एडवांस नहीं देना है, वीज़ा जो होगा वो एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट वीज़ा होगा। ठीक है, तो आप जो है वीडियो में बने रहना है, आपको लास्ट तक देखना है, समझना है, और जो मैं नंबर दूंगा अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके उसी हिसाब से आपको उस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना डॉक्यूमेंट भेजना है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप का जो चैनल लिंक है वो भी मैंने डाल दिया हूँ। तो आप लोग जब वीडियो खत्म हो तो डिस्क्रिप्शन क्लिक करके और व्हाट्सअप का जो चैनल का लिंक है क्लिक करके आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करके रखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब जितना भी नया लेटेस्ट जॉब आता है 3-4 वैकेंसी दिन भर में वो सारा मैं बना डालता रहता हूँ। तो आप वहाँ से, हो सकता है आप कोई दूसरी कैटेगरी का जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको वहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो तरक्की का ये जो तुर्की का जो वैकेंसी है ये वर्क परमिट होगा, एम्प्लॉयमेंट कोई भी एडवांस आपको पेमेंट नहीं देना है। ठीक है, बस बंदा इसके अंदर वही बंदा अप्लाई करे जो कैंसिल ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर कैंसिल करेगा बंदा तो बहुत ज़्यादा इसका खर्चा है, कैंसिलेशन चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग सोच समझ लीजिए, सारा समझ लीजिए बात को, और उसके बाद में ही अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। ठीक है, तो और कोई भी पेमेंट आपको एडवांस नहीं देना है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुर्की के अंदर, क्योंकि तुर्की में बीच में बहुत सारा मतलब अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट वहाँ पर चालू है, तो उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो वर्क परमिट वाला ही भेजा रहता है। ठीक है, तो अभी वीडियो के अंदर वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो पहला कैटेगरी है वो सिविल इंजीनियर का है। ठीक है, सिविल इंजीनियर चाहिए जो फ्रेश और रिटर्न कोई भी अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद में इसका सैलरी जो सिविल इंजीनियर का है 700 USD है। ठीक है, और दूसरा जो है फोरमैन चाहिए, मतलब सिविल का ही सिविल फोरमैन ही चाहिए, उसका सैलरी है $550 USD। और फिर चाहिए टीम लीडर, टीम लीडर का जो सैलरी है वो 500 है। टीम लीडर मतलब वो चाहिए जो कंस्ट्रक्शन में उसका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, तो जो वर्कर को लेके जाना आना उसके बाद में अच्छे से उसको जानकारी हो, नॉलेज एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, फ्रेश भी अप्लाई करेगा कर सकता बंदा। ठीक है, और उसके बाद में असिस्टेंट टीम लीडर चाहिए। ठीक है, जिसका सैलरी $400 है। और एक्सपर्ट मेसन चाहिए, जो टाइल मतलब मेसन होता है, मेसन का जो काम वाम करता है वो मेसन चाहिए, जिसका सैलरी $350 है। और असेंबल RCC चाहिए, जिसका सैलरी $350 है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, जिसका भी सैलरी $350 है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं यही जो भी कारीगर लोग होते हैं, अभी जैसा कुछ बंदे पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर में गए तो उनको टीम असिस्टेंट में भी डाल देता है कंपनी, और इसमें भी डाल देता है। और उसके बाद में इसमें बंदे जो है, जो जैसा कंस्ट्रक्शन वर्कर में आदमी कुछ भी पढ़ा लिखा भी नहीं है जब भी चल जाएगा, अंगूठा भी लगा है तभी भी चलेगा, पासपोर्ट तो सब में ACR भी अप्लाई कर सकते हैं, ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वर्क परमिट वीजा है। ठीक है, और उसके बाद में ये सैलरी के बाद में कंपनी आपको फूड भी देगी,
यानी बना बनाया खाना देगा, खाने का पैसे नहीं मिलेगा आपको, फूड कंपनी देगी, यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, ये सब कंपनी देगी, रूम, वहाँ का जो आईडी कार्ड बनेगा वो, और अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल कार्ड, जैसे तबियत खराब होता है तो आप जाएंगे कोई भी हॉस्पिटल से दवा ले लेंगे, पैसे आपको कंपनी पे करेगी, ये सारा जितना भी बेनिफिट होगा ये सब कंपनी देगी, ठीक है। और ड्यूटी जो होगा वो 8 घंटे का ड्यूटी होगा, ठीक है, 8 घंटे का ड्यूटी होगा, और 8 घंटे के बाद में जो आप अप्लाई करें, अपना जो काम करेंगे वो अलग से ओवर टाइम मिलेगा, हफ्ते दिन एक छुट्टी रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर अप्लाई करने के लिए जैसा सिविल इंजीनियर में डाल रहे हो, फोरमैन है, टीम लीडर, फोरमैन और सिविल इंजीनियर हो गया, और उसके बाद टीम लीडर हो गया, असिस्टेंट टीम लीडर लीडर हो गया, एक्सपर्ट मेसन हो गया, असेंबली आरसीसी हो गया, और कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, ये कैटेगरी है। तो आप जिसमें भी अप्लाई करते हो, आपका एक्सपीरियंस लेटर, सीवी, और सीवी अच्छे से बनाना है आपको, सीवी के अंदर प्रोफेशन डालना है, जैसा भी आप सिविल इंजीनियर का डाल रहे हो तो पॉइंट बना के डालो, प्रोफेशन, उसके बाद में सिविल इंजीनियर, ठीक है, और फोरमैन, कितना साल कहाँ कहाँ काम करे हो, वो सीवी अच्छे से बना लेना है। और उसके बाद में जैसा हेल्पर हो या कोई भी कैटेगरी हो, सीवी तो चाहिए चाहिए, प्लस आपका पासपोर्ट आगे पीछे, पासपोर्ट साइज का फोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट, और ये सारा चीज़ एक पीडीएफ फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है, और डॉक्यूमेंट जब भेजो तो हाँ बताओ मैंने तुर्की के लिए अपना जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, और इसके अंदर इस काम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, फोरमैन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर के लिए, हेल्पर के लिए, असिस्टेंट लीडर के लिए, एक्सपर्ट मेसन चाहिए, असेंबल आरसीसी हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, जिसमें भी आप जा रहे हो उसमें बताइए कि मतलब, और उसी चीज़ का प्रोफेशन सीवी में लिखा हो, ठीक है, और मैसेज जब आप डॉक्यूमेंट डालो तो बताओ तुर्की का वैकेंसी मैंने देखा हूँ, और इसके लिए ये मेरे प्रोफेशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये अच्छे से लिख के डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट आएगा, चेक किया जाएगा, सारा चीज़ ओके है, तो आगे का प्रोसेस, पेमेंट क्या देना है, पेमेंट खर्चा कितना लगेगा, पहले आपको खर्चा बता दिया जाएगा, कोई भी पेमेंट आपको देना नहीं है, लेकिन खर्चा आपको बता दिया जाएगा कि आप इसमें अगर जाते हो तो कितना खर्चा लगेगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आप एग्री होते हैं तो आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि बंदा वही अप्लाई करे जो कभी कैंसिल ना करे, क्योंकि अगर आप नहीं गए, जो आगे प्रोसेस कर दिए तो काम पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब सोच समझ के ही आप लोग उसके बाद में ही आप डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट भेजोगे सर, ओके है, जिस तरीका से बताया हूँ, अगर इस तरीका से ही बना के अच्छे से डॉक्यूमेंट भेजते हो, जब भी आपको रिप्लाई मिलेगा टाइम पे अपडेट आपको मिल पाएगा, ठीक है। फिर आके आप पूछोगे तो पूछते ही रहोगे और कुछ भी नहीं होगा। बहुत से बंदे थंबनेल देख के बस आके फोन करते हैं, पूछते हैं, काम खत्म हो जाता है, फिर मालूम पड़ता है कि उनका हो ही नहीं पाया। तो कभी भी जब वैकेंसी देखो तो वैकेंसी में सारा चीज़ मैंने बता देता हूँ, ठीक है। मुझे पता होता है कि एक बंदा अगर फर्स्ट टाइम बाहर जा रहा है तो क्या क्या डिटेल जानकारी वो लेना चाहता है, और जो आपको भी नहीं पता है कि क्या पूछना चाहिए, वो भी हम आपको क्लियर बताते हैं, ठीक है। तो आपको अगर जाना है तो जिस तरीके से बताया उस हिसाब से जाके अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके, उसके बाद दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने जॉब को प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी का और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। बाकी अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।